बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि मैं सर्दियों के लिए बना रही हूँ पाउडर, ठीक है। ज़रूरी नहीं सर्दियों के लिए ही हो, आप हर वक्त भी इसको खा सकते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं। तो और ना मैं इसमें पंजीरी बनाऊंगी इसकी कि इसमें घी बहुत डले और आपको घी के लिए मसला हो, क्योंकि घी हर एक बंदा नहीं खा सकता। तो ये सब के लिए ज़रूरी है खाना। तो इसमें मैं डालूंगी ये मखाने, इनको मैं 5 मिनट तक हल्की आँच पे भून लूँगी। उस वक़्त तक भूनूंगी जब तक ये यूँ करके टूट नहीं जाते हैं। अच्छा, ये मैंने अलसी ले ली है, अलसी भी उसी के हम वज़न है। जितने मैंने मखाने लिए थे उतनी मैंने अलसी ली है। और मैं अभी इसको भूनूंगी जब तक ये चटकना शुरू हो जाए। जब ये चटकना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें, ये चटकना शुरू हो गई है। अब हम इसके नीचे से चूल्हे को बंद कर देंगे। ये 4 मगज़, अलसी और ये मखाने, ये तीनों चीज़ें मैं पीस के पाउडर बना के रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे। नाश्ते के बाद एक एक चम्मच सबने खा लेना है, अगर जिसको जो पसंद है। लेकिन ये चीज़ ये बहुत अच्छी है दिमाग के लिए भी, सेहत के लिए भी। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑयल डालने की, पंजीरियाँ बनाने की, पीस वो करने की। बस इसी तरह पानी के साथ खा लें, दूध के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें। अच्छा, ये पाउडर बन के तैयार हो गया है और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के लिए है। तो इसको आपने, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको हड्डियों में दर्द है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हमने ख़ुद इस्तेमाल किया है। और इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि इसके अंदर मेगा 3 है, ट्रिप्टोफैन है और विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा।